Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will understand what is LFI and RFI vulnerabilities. So ये पूरा session हम हिंदी में बात करेंगे और फिर जानेंगे ये LFI और RFI vulnerabilities क्या होता है. तो ये user friendly guide है और फिर चलिए start करते हैं. तो introduction देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या क्या जानने वाले हैं इसमें. What is LFI and RFI, definition of LFI, brief explanation of how it works. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और RFI का डिफिनेशन हम आगे देखेंगे. सो LFI का मतलब है लोकल फाइल इंक्लूजन. सो दरअसल ऐसा है कि जब हम किसी वेबसाइट पे किसी पैरामीटर के थ्रू पेज को कॉल करते हैं तो फिर हमें वो पैरामीटर के थ्रू उस पेज को हम एक्सेस कर पाते हैं. और LFI में क्या करते हैं, लोकल फाइल वल्नरेबिलिटीज के जरिए हम सिस्टम की लोकल फाइल को वेबसाइट पे कॉल करते हैं. जैसे कि अमेजोन का वेब सर्वर हो गया और फिर उस पर कोई वेबसाइट रन हो रही है, आपने किसी वेबसाइट को होस्ट करके रखा है तो किसी पैरामीटर के थ्रू अगर उसमें वैल्यू जा रही है बेसिकली तो हम उस पैरामीटर में कुछ सेटिंग्स में मैनिपुलेशंस करते हैं और फिर उसके डायरेक्टरी तक पहुंच जाते हैं. और फिर जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, यहां पे हम जाएंगे आरटू है, ये वेबसाइट है. तो फाइल इंक्लूजन ओपन करते हैं और फिर यहां सेटिंग्स में पहले इसको लो पे, बाय डिफॉल्ट ये लो पे सेट है और फिर हम फाइल इंक्लूजन को सेट करेंगे. फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है. तो आप ऊपर यूआरएल में देख सकते हैं फाइल नेम इक्वल टू फाइल वन डॉट टीएक्सटी. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि फाइल वन डॉट टी एक्स टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ओके, हमने कहा ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर जा रहा है, पहले आर टू है कि एक वेबसाइट है, फिर इसके अंदर फाइल इंक्लूजन नाम का पेज है और उसके अंदर एक पैरामीटर है फाइल नेम. फाइल नेम इक्वल टू फाइल वन डॉट टी एक्स टी. तो ये इतना पैरामीटर हो गया अपना. तो फाइल नेम का पैरामीटर है, पैरामीटर बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि एक वेरिएबल. जैसे प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसी भी डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा फाइल नेम. अब हम इसे यूआरएल से कॉल करेंगे तो हम इसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो हम सिस्टम की लोकल फाइल को एक्सेस कर पाएंगे. यानी कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कोई एडमिन नहीं चाहेगा कि कोई नॉर्मल यूजर उसे देख पाए, तो हम क्या करते हैं स्लैश ईटीसी पास wd. तो ये कौन सी डायरेक्टरी होगी, स्लैश ईटीसी यानी स्लैश का मतलब रूट डायरेक्टरी और फिर ईटीसी फोल्डर के अंदर पास dw वाली फाइल जो है पासवर्ड फाइल वो हम एक्सेस करना चाहते हैं. तो एंटर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड फाइल डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक कर लेते हैं. तो मैं इस फाइल को देख सकता हूँ, ठीक है, सब लाइन से ओपन करते हैं इसको. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी जो है बिन बैश और फिर उसके बाद ये जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये कोई भी एडमिन नहीं चाहेगा कि मेरे यूज़र को मेरे सिस्टम की लोकल फाइल्स का एक्सेस मिले. तो हम चलिए कोई और फाइल भी ट्राई करते हैं. वैसे रूट डायरेक्टरी सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं कि जो फाइल इंक्लूजन होता है उसमें हम प्रॉपर वेब सर्वर के बैकएंड को ध्यान में रख के काम करते हैं. जैसे कि PHP का सर्वर हो गया है या फिर वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप एक अच्छा एक्सटेंशन है, मैं उसे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, हम क्या करते हैं एक्सटेंशन पे जाएंगे. ठीक है, अभी हम लिनक्स पे भी ट्राई करेंगे. फिलहाल हम टेस्ट पर्पस के लिए बस इसे समझने के लिए LFI पे देख रहे हैं. होम पे जाएंगे, NW कर दिया. तो सर यहाँ पे नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन आ गया है, अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं. ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, फिर वापस से होम पे आएंगे, एक और एक्सटेंशन
पे इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है वेब एलाइजर। एड टू क्रोम करेंगे इसको भी, एड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे नेटक्राफ्ट भी अवेलेबल है और फिर हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं नेटक्राफ्ट को, वेबसाइट को ऑन किया फिर नेटक्राफ्ट। तो साइट रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन पे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसको वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कुकीज कर देते हैं। यहाँ पे नेटक्राफ्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है और फिर साइट रिपोर्ट, इसने नेटक्राफ्ट ने एक अच्छी रिपोर्ट हमारे लिए जेनरेट करके यहाँ पे रेडी कर दिया है इसने। सो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये होस्टिंग कंपनी है अमेजोन एशिया पैसिफिक मुंबई डेटा सेंटर, यानी अमेजोन का वेब सर्वर है और इसका जो डेटा सेंटर है वो भी मुंबई में है। और फिर डोमेन रजिस्ट्रार वो है गोडेडी से इसका डोमेन लिया गया है। और बाकी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कभी कभी एक्सटेंशन दे देते हैं हमको। और फिर सर यहाँ पे देख सकते हैं एनजीनिक्स उबंटू ये काम की इंफॉर्मेशन है, सो इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पे इंक्रिप्शन मेथड एल्गोरिथम पब्लिक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो हमारे काम का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अमेजोन डेटा सर्विस यहाँ पे है और इसकी आईडी हमें दिख रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स का। सो लिनक्स में जब हम किसी रूट डायरेक्टरी या फिर फाइल सिस्टम को देखते हैं तो फिर कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फिर मैं स्टेप्स को बड़ा कर देता हूँ। हम यहाँ पे प्रॉपर पेज ही ऐड कर देते हैं, ब्लैंक पेज। अभी ये डिस्टर्ब ना हो, सो जब हम लिनक्स में किसी फाइल को एक्सेस करते हैं तो क्या कमांड देते हैं सर, आप गेस कर सकते हैं। तो लिनक्स में फाइल सिस्टम को हम एक्सेस करते हैं रूट डायरेक्टरी से, स्लैश का मतलब होता है रूट, ओके। और फिर रूट रूट डायरेक्टरी में तो बहुत ढेर सारे फोल्डर्स रखे हुए होते हैं, तो रूट डायरेक्टरी में हम बेसिकली कौन से फोल्डर को एक्सेस कर रहे थे, अगर मैं पूरा कमांड दे देता हूँ /etc/passwd, ओके, यही कमांड हम वहाँ पे दे रहे थे। तो स्लैश का मतलब हो गया रूट और फिर /etc यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर etc फोल्डर इक्वल टू फोल्डर। सो etc का मतलब फोल्डर और फिर /passwd मतलब पासवर्ड फाइल, ओके। आप देख सकते हैं ये लिनक्स का कमांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें रूट डायरेक्टरी में ये लाइव अगर लिनक्स सिस्टम पर अपने चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे सर, सीडी सॉरी ये ऑटो कर डिस्टर्ब कर रहा है, /etc/passwd। तो सर ये कमांड होता है अगर किसी पासवर्ड फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी को ऐसे एक्सेस करना है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमें स्लैश और फिर डॉट डॉट स्लैश इसको ध्यान में रख के ये LFI को परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली अगर हमें CD डॉट डॉट करेंगे तो लिनक्स में तो हम एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं, तो वैसे ये भी काम करता है डॉट डॉट स्लैश से भी। अभी मैं ये LFI परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और फिर तो मैं अपना लिनक्स सिस्टम ऑन कर देता हूँ, अपनी काली मशीन को ऑन करेंगे वर्चुअल मशीन। और
और हम किसी भी रियल वेबसाइट पे ये चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि उस वेबसाइट पे चल रहे कुछ या सर्विस या फिर किसी प्रोडक्शन को हार पहुँचे, तो हम बेसिकली अपने ही सिस्टम पे एक वर्निबल वेबसाइट पे ये ट्राई करेंगे जिससे कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे RFID बेसिकली परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसको ऑन होने देते हैं और फिर हम कुछ एडिशनल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R2 है, UDC FastWD। तो तब से मैं आपको होस्ट नेम वाली फाइल भी एक्सेस करा के दिखा। /etc/host देखते हैं होस्ट नेम में क्या रखा है। तो ये फाइल तो मिली नहीं है, तो हमने इस फाइल को खो दिया है। तो हम वापस इसको सब लाइंस ओपन करेंगे और होस्ट नेम की फाइल है तो इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट नेम की फाइल एक्सेस हो गई है और इसका लोकल होस्ट है 127.0.0.1=localhost। तो देखते हैं तब तक हमारी काली मशीन ऑन हो गई है। इसको लाइव परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट खुद के लोकल सिस्टम पर बूस्ट करेंगे। तो काली मशीन ऑन हो गया है और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम का भी एंटर किया है। बेसिकली काली मशीन का यूज़र आईडी पासवर्ड काली काली होता है, आप इसे एंटर दे सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने अपना टर्मिनल ऑन कर दिया है। टर्मिनल ऑन करते हैं और ब्राउजर को भी यहाँ पे ऑन कर देते हैं। इसको साइड बाई साइड करेंगे। तो ओके ओके सर, देन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सूडो देंगे, पासवर्ड है खाली, और फिर आइए कॉन्फिगर के IP अपनी चेक करेंगे। सो आप मेरी IP है 192.168.92.210। तो MySQL की सर्विस को ऑन करेंगे। सिस्टम SQL स्टार्ट MySQL करके आप एंटर देंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आया, यानी कोई इशू नहीं है। तो ये स्टार्ट हो गया है। तब हम Apache 2 सर्विस को ऑन करेंगे। बेसिकली MySQL होता है डेटाबेस सर्विस को ऑन करने के लिए वेबसाइट पे, और फिर Apache 2 सर्विस का काम क्या होता है, अपने वेबसाइट को लोकली होस्ट करने के लिए। ये एक लोकल सर्वर होता है, पर ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे अपनी IP एंटर करेंगे 192.168.92.210 colon। ये बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट नंबर पे रन होता है /dbwa एंटर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट ऑन हो गई है। वेबसाइट का URL है, पहले अपनी IP पोर्ट एंड dbwa login.php। एडमिन यहाँ पे यूजर नेम होता है और उसके पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे और फिर सिम फुल स्क्रीन पे कर देना। तो यहाँ पे DBWA की सिक्योरिटी देख लेते हैं, इम्पॉसिबल। इसमें 4 लेवल होते हैं और फिर हाई CTF जैसे काम करता है, लो और मीडियम, ये इन दोनों में माइनर माइनर डिफरेंसेस है। और इम्पॉसिबल मतलब कि सबसे
सिक्योर अगेंस्ट ऑल वल्नरेबिलिटीज, यानी ये सभी वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट हैं, इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं बट इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कोड ऑब्फस्केशन। तो फाइल इंक्लूजन को स्टार्ट करते हैं और फिर लोकल फाइल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम में जो फाइल हमें एक्सेस करने के लिए परमिशन है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप URL में देख सकते हैं DBWA नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर vulnerabilities नाम का फोल्डर है और FI नाम का फोल्डर, और इसके अंदर page equal to file1.php। तो file1.php में आप देख सकते हैं ये डेटा पड़ा हुआ है, हेलो एडमिन योर IP एड्रेस लोकल होस्ट। तो हम URL में कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, जिसके वजह से हमें सिस्टम की लोकल फाइल्स एक्सेस हो जाएगी, etc passwd जैसा कि हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे इंटर देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली हुआ क्या, इसने सिस्टम की लोकल फाइल जो थी यानी passwd वाली फाइल है, यानी इसमें जितने भी पासवर्ड्स हमने इसमें सेव करके रखे हैं, चाहे वो डेटाबेस के हो, चाहे वो सर्विसेस या फिर सिस्टम के पासवर्ड हो, ये सारे पासवर्ड को इजीली क्रैक कर पाता है। तो ये एक होता है LFI की वर्नेबिलिटी से, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वेब पेज पे कॉल कर देता है सिर्फ एक पैरामीटर के थ्रू। आप देख सकते हैं कि अगर ये इतना पैरामीटर आपका वर्नेबल रहेगा किसी वेबसाइट पे, तो आप etc passwd लिखेंगे तो वहाँ पे वो सिस्टम की पासवर्ड फाइल हमें शो होने लगेगी। कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि सिस्टम फाइल और पासवर्ड ये सब क्या होता है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, उसमें कैसे क्या सीन रहता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो मैं होस्ट नेम भी चेक कर देता हूँ etc। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मशीन की प्राइवेट IP दिख रही है 192.168.232.149 प्राइवेट IP है, और लोकल होस्ट की IP दिख रही है विंडोज हमने इस सिस्टम का नाम रखा है बेसिकली, एंड वन लोकल होस्ट IPv6। तो देख सकते हैं ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और फिर LFI की वल्नरेबिलिटी होती है। अब इसको इस सिक्योरिटी को हाई पे सेट करते हैं, मीडियम पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। हाई पे तो हम अभी करेंगे, तो इसको हाई पे सेट करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सेकंड फाइल को ओपन करेंगे, आप बेसिकली किसी भी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखिए, मैं एक बार बैठा देता हूँ, फाइल इंक्लूजन पे हमने क्लिक किया और फिर file2.php पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाता है। पैरामीटर क्या है, ? पेज इक्वल टू, ये अपना पैरामीटर है, आप इसे नोट कर दीजिएगा। सो file2.php इसको हम इरेज करेंगे और फिर यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कोई अलग डायरेक्टरी को, जैसे हम बेसिकली etc पासवर्ड फाइल को वापस से एक्सेस करते हैं etc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम लेवल पे भी ये वैसे ही वल्नरेबिलिटी काम कर रहा है। तो लो लेवल का मतलब यानी उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं, मीडियम लेवल पे यानी डेवलपर भूल गया है सिक्योरिटी प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो चलिए हाई सिक्योरिटी पे इसको क्रैक करते हैं। तो लो और मीडियम हो गया, इसमें चार लेवल हैं DBWA के, तो अब इसको हाई पे सेट कर देते हैं। फिर फाइल इंक्लूजन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें बेसिकली इसका कोड दिखेगा। सो LFI फाइल मीडियम, आप देख सकते हैं ये इसका कोड है। तो मैं ये कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये PHP का कोड है, ये बेसिकली सिक्योरिटी कोड भी आप इसको बोल सकते हैं, बैकएंड का कोड है। ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बैकएंड के कोड के साथ टेस्टिंग करते हैं और वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं।
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता क्या है कि हमें बैकएंड का कोड भी एक्सप्लॉइट नहीं होता और हम उस पर टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं बिना कोड रिव्यू के। तो ये होता है गाइस सबसे सिक्योर कोडिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि फाइल इक्वल टू गेट मेथड से आएगा और पेज पैरामीटर है इफ, यानी अगर ये एफ नेम अगर मैच करेगा जैसे फाइल्स एस्टरिस्क, और या तो उस फाइल का नाम फाइल होना चाहिए एंड एंड करके, यानी ये कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर इज नॉट इक्वल टू इंक्लूड डॉट पीएचपी देन इको एरर फाइल नॉट फाउंड एरर। सो ये यहाँ पे देखेंगे फाइल और फिर इंक्लूड डॉट पीएचपी के अलावा अगर हम यहाँ पे इस पैरामीटर में गेट मेथड में जो पैरामीटर है अगर इसमें कोई सभी सिंगल क्वेश्चन मार्क भी इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको ये एरर दे देगा फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, फाइल वन डॉट पी एच पी देखिए ये यहाँ पे प्रॉपर रन हो रहा है। तो वहाँ पे फाइल लिखा था तो हम फाइल को ही फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश, तो यहाँ पे इसमें एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे पी टी सी प्लस पास डब्ल्यू डी आप देख सकते हैं हमने इसको हाई सिक्योरिटी पे भी क्रैक कर दिया, क्योंकि फाइल वहाँ पे फाइल नाम के वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा था ये पेज पैरामीटर, और फिर कॉलन लगा के हमने बताया कि इसे डबल स्लैश कर देंगे तो ये ब्राउजर से बेसिकली रन होगा। अब इसके प्रिविलेजेस वहीं पे खत्म हो जाते हैं तो ये इसको ब्राउजर एग्जीक्यूट करा पा रहा है। ये ब्राउजर की वर्नेबिलिटी तो नहीं हो सकती पर हाँ ये एल एफ आई की वर्नेबिलिटी है, और स्लैश ए टी सी पास डब्ल्यू डी जैसा कि हमारा एजुकेशन था। अब मैं ए टी सी पास डब्ल्यू डी डायरेक्टरी को, क्या रियल में ए टी सी पास डब्ल्यू डी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है, तो हम सी डी स्लैश करेंगे रूट डायरेक्टरी में कौन होगा, तो रूट डायरेक्टरी में हम एल एस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई टी सी नाम का फोल्डर दिख रहा है, सो ई टी सी फोल्डर के अंदर जाएंगे सी डी ई टी सी एल एस करेंगे, यहाँ पे ढेर सारी फाइल सक्सेस हो गई है, यहाँ पे बहुत ढेर सारी फाइल्स हैं। हम इसको अभी साइज इसको कॉन्फिगर कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ बेसिक फाइल्स हैं तो मैं इसको चेक करता हूँ क्या क्या ये हाई लेवल पे अवेलेबल है। ए टी सी डायरेक्टरी सेम रहेगा, पास डब्ल्यू डी तो हम इरेज करेंगे यहाँ से, पास डी डब्ल्यू डी को अटैक इरेज करके, और हम इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जी एडिट टेस्ट, एंटर देंगे या ऑन होगा तो यहाँ पे हेलो दिस इज टेस्ट एल एफ आई, हेलो दिस इज टेस्ट एल एफ आई कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया है। अब इसको कट करते हैं, एल एस करते हैं और फिर देखते हैं क्या टेस्ट फाइल वाकई में क्रिएट हो गई है। तो टेस्ट फाइल कहाँ हो सकती है, तो ये रहा ऊपर की साइड आप देख सकते हैं टेस्ट दिख रहा है, तो ई टी सी डायरेक्टरी के अंदर हम वो पहले से थे ई टी सी टेस्ट। तो हमने जो कुछ भी यानी इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो वेब पेज पे आएगा, और यही होता है तरीका मिस यूज करने का रिफंड को। यहाँ पे एंटर देंगे, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो दिस इज टेस्ट ये वेब पेज पे रन हो रहा है, यानी आपने देखा है कि एल एफ आई की वर्नेबिलिटी से हम सिस्टम की सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो वापस से चलते हैं हम अपने पुराने सेशन पे, उससे बात करेंगे किसी और बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे आर एफ आई परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एक लोकल होस्ट वेबसाइट पे, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज को हार्म ना पहुँचे। रियल वेबसाइट पे हम ये ट्राई नहीं करेंगे, अपने लोकल ही सिस्टम पे ये आर एफ आई परफॉर्म करके देखेंगे, और फिर ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और फिर देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। तो इसमें होता है
कोड एग्जीक्यूशन सर्वर कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं बेसिकली। तो एक बार ओवर देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल इंक्लूजन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे एक पैरामीटर मिला है, ठीक है। यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, वर्ड फाइल में जाते हैं और फिर यहाँ पे आरएफआई रिमोट इंक्लूजन करके मैंने एक हेडिंग क्रिएट किया है और ये अपना फुल यूआरएल है। फुल यूआरएल में पैरामीटर यानी एक वेरिएबल है फाइल नेम और उसके आगे की वैल्यू file1.txt। और फाइल नेम में हमें इंक्लूड करना है google.com, टेस्ट करके देखना है कि क्या यहाँ पे सच में RFI अवेलेबल है और फिर उसके बाद ये प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी काली मशीन को और फिर चेक करते हैं क्या RFI काम कैसे करता है, आखिर वो होता क्या है। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड कर देते हैं। एक न्यू टैब ओपन करेंगे google.com। सी कर लिया हमने। कंट्रोल भी करेंगे एचटीटीपी एस, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज में गए और फिर file1.php उसको इरेज करके बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे लो लेवल पे सेट है, नीचे की साइड आप देख सकते हैं। तो पेज इक्वल टू पैरामीटर है यानी एक वेरिएबल और फिर उसके आगे की वैल्यू हमने एक यूआरएल को सेट कर दिया है जहाँ पे वो पहले एक फाइल को कॉल कर रहा था। तो बेसिकली उसको इंटरनेट एक्सेस है तो हम सोच रहे हैं कि वो उस पैरामीटर में फाइल को कॉल ना करके कि यूआरएल को कॉल करे और इस यूआरएल में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो यूआरएल ही मलिशियस हो या उस यूआरएल में बेसिकली एक फाइल हो जो फाइल मलिशियस हो, तो उस फाइल को भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस करेंगे और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है, गूगल सर्च आ रहा है यहाँ पे। इसके बैकएंड का कोड अभी इंप्लीमेंट नहीं है ना, ये तो गूगल यहीं से वर्क करता है। अभी API इंटीग्रेशन वाला काम है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे RFI अवेलेबल है क्योंकि ये पेज पैरामीटर में एक URL को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके आउटपुट को अपने वेब पेज पे प्रिंट कर रहा है। तो चलिए ठीक है। और अब हम इस लूप होल का फायदा उठाएंगे इस वल्नरेबिलिटी का। तो पेज इक्वल टू पैरामीटर को रहने देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे ls कर देते हैं और फिर यहाँ पे server.py। तो बेसिकली मैं वर्ड फाइल ओपन करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। सर्वर साइड होगा अपना काली लिनक्स और फिर ये लिसनिंग करेगा अपने प्राइवेट आईपी और फिर एक स्पेसिफिक पोर्ट में। और सर्वर साइड हम पाइथन की फाइल बनाएंगे जिसमें पाइथन का सेल कोड रहेगा जो सर्वर साइड से एग्जीक्यूट होगा और ये लिसन करेगा एक स्पेसिफिक पोर्ट और आईपी पे। और क्लाइंट साइड में एक मलिशियस यूआरएल क्रिएट करने के लिए client.php, यानी क्लाइंट साइड जो है वो PHP सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जो अपाचे सर्विस है वो बेसिकली PHP पे रन करता है। इसके लिए आप एक दो एक्सटेंशन जैसे नेटक्राफ्ट और वेपलाइजर जैसे एक्सटेंशन जैसे मैंने अभी बताया इंस्टॉल करके उससे आप चेक कर सकते हैं कि बैकएंड जो है वो किस पे वर्क कर रहा है। तो DBWA बेसिकली PHP पे वर्क करता है। तो client.php एक हम क्लाइंट साइड की फाइल बनाएंगे जिसमें PHP का कोड रहेगा जो सॉकेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेगा और सेल कनेक्शन को एग्जीक्यूट होने में हमारी हेल्प करेगा और इसे इनबिल्ट करना है मलिशियस यूआरएल पे। तो हम सबसे पहले सर्वर साइड के प्रोसेस को देखते हैं। तो लिसनिंग ऑन कर देते हैं और पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी जी एडिट करेंगे, जी एडिट server1.py, बेसिकली server1 कोई सा भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे 10,130 पोर्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आईपी सेम है, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे फिर एक्सिट कर देते हैं। और फिर अब हमें बेसिकली करना क्या है फ्रेंड्स, पाइथन से हम सर्वर को ऑन करेंगे जिससे इसकी लिसनिंग ऑन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पोर्ट और आईपी को
सेल एग्जीक्यूशन फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है गेटअप। हम गेटअप पे चले जाएंगे। ये मेरा गेटअप अकाउंट है, आप यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर करके ये फाइल्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले का पोर्ट जो है वो है 130। ठीक है, 130 कर देते हैं। और हमारी आईपी है 192.168.92.211। कमिट चेंजेस करते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पे कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस, बस ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है दिखने में। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट यूआरएल कॉपी करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट यूआरएल मिलेगा डेवलपर ऑप्शन में। मैंने पहले ट्राई किया था गेटहब पे जो यूआरएल मिलता है कॉपी करने के लिए, पर वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने डेवलपर साइट से एग्जैक्ट फाइल को ही कॉपी कर दिया था, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है। तो क्लाइंट साइड में क्या होगा, बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्लाइंट साइड में मेलिशियस यूआरएल क्रिएट होगा, और उसी यूआरएल में इंक्लूड होगा क्लाइंट डॉट पीएचपी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाइंट डॉट पीएचपी लास्ट में करके आ रहा है, मेन क्लाइंट डॉट पीएचपी जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है। पीएचपी क्लाइंट साइड है, और फिर ये सॉकेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेगा, यानी सेल एप कनेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो सर्वर पे चले जाते हैं, और फिर उसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पे चले जाते हैं, और फाइल इंक्लूजन पे क्लिक करेंगे, और फाइल 1.php। और फिर यहाँ पे हमें पैरामीटर देखने लगेगा। यूआरएल में आप देख सकते हैं पेज इक्वल टू तक हम रहने देते हैं, और फिर कंट्रोल वी के जरिए उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे। अब बेसिकली होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे हम इंटर करेंगे तो क्लाइंट साइड का जो सॉकेट होता है और सर्वर साइड का सॉकेट होता है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे इसी लोकल एरिया नेटवर्क में, और सेल कनेक्शन को एक्सिक्यूट होने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जैसे ही मैं इंटर दूंगा तो ये सर्वर जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा वेट कराएगा। नेट की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है, हमने सब कुछ सही रखा है 130 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे हमें इंटर का कमांड, और फिर कनेक्शन फ्रॉम यानी 192.168.92.211। यहाँ हमारे लोकल आईपी से ही रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, और फिर हमने उस कनेक्शन को रिसीव कर लिया है सॉकेट के थ्रू। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और मेरे गिटहब अकाउंट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको ये दोनों फाइल मिल जाएगी, क्लाइंट डॉट पी एच पी एंड सर्वर 1.py। क्लाइंट डॉट पी वाई ये बेसिकली है पाइथन यानी चैंगो फ्रेमवर्क में जब कोई वेबसाइट बनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। बट अभी पी एच पी के ये वेबसाइट रन कर रही है, तो हम पी एच पी का कोड यूज़ करेंगे। क्लाइंट साइड सर्वर साइड आप कुछ भी रख सकते हैं, पाइथन भी रख सकते हैं। सो अब हम एलएस करके हम चेक करेंगे क्या हम उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलएस किया, और फिर फाइल 1.php हमें एक्सेस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइल 1.php में डेटा था, तो यहाँ पे हम टैग करके इसको देखेंगे, फाइल 1.php। तो देख सकते हैं पीएचपी का कोड यहाँ पे दिख रहा है हमें, जो फाइल 1 नाम के डेटा में था। तो ये पीएचपी का कोड है, अभी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो आ रहा है, और फिर एडमिन को इन्होंने कुछ इस तरह से रखा है की और वैल्यू के पेयर पे। तो हम यहाँ पे फिर से एलएस करेंगे, और फिर देखते हैं क्या है। एलएस करके चेक कर रहे हैं, बाकी जो फाइल्स वगैरह है वो सब एक्सेस हो रही है। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से पैरामीटर की हेल्प से हम पूरी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, RFI की मदद से हम एक मलिशियस यूआरएल क्रिएट किया, जिसमें उस यूआरएल में एक फाइल भी कॉल हो रही थी। पहले हम गूगल को कॉल कर रहे थे, अब उसी पैरामीटर के जरिए हम उस फाइल को कॉल कर रहे हैं। आप किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली बस उस फाइल का ही एक्सेप्ट यूआरएल होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर अदर प्लेटफॉर्म को। तो एक मलिशियस
URL के जरिए पूरी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। यहाँ पूरी वेबसाइट हैक हो चुकी है और फिर अब इसके सर्वर सेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं काम करेगा, कोई भी बटन रहेगा कोई भी बटन नहीं काम करेगा क्योंकि सर्वर भी पीसी है और पीसी किसने करके रखा है सर्वर साइड में, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से बंद करेंगे, जैसे हम बंद करेंगे तो ये वेबसाइट वापस से चलने लगेगी, तो ये वेबसाइट चल रही है और अभी मैंने इसे लो पे ट्राई किया है, आप सेम एज मीडियम और हाई पे भी कर सकते हैं, यही सेम मेथड रहेगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं और देखते हैं पेज पे क्या है। सो हमने ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर लिया है हमने। इम्प्लीकेशन ऑफ आर एफ आई फाइल्स आर इंक्लूडेड, ये सब हमने पढ़ लिया है जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा, और फिर इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है ताकि कोई मेलेसियस हैकर इसको हार्म ना पहुंचाए या फिर डेटा ब्रीच ना करे। तो इनपुट वैलिडेशन लगाएंगे सेम एज एल एफ आई फाइल वाइट लिस्टिंग यानी परमिशन को भी कॉन्फिगर करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसीज को अपग्रेड करेंगे और पैचिंग एंड अपडेट्स रेगुलर टेस्ट करेंगे इस वेबसाइट पे, जो भी हमारा प्रोडक्शन वेबसाइट रहेगा उस पर रेगुलर टेस्ट करेंगे और अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी रहेगी तो उसके प्रॉपर अपडेट को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं केस स्टडी करेंगे यहाँ पे, अगर हम मेंशन करेंगे अगर कोई एल एफ आई और आर एफ आई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है रियल टाइम में तो इसको यहाँ पे आप जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज करेंगे सिक्योरिटी मेजर ऑलवेज वैलिडेट यूजर इनपुट जैसा कि अभी मैंने बताया, और फिर रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट करना है, किस सॉफ्टवेयर अपडेट यानी अपनी वेबसाइट को प्रॉपर अपडेट करके रखना है, और मॉनिटर करना है सस्पिशियस एक्टिविटी यानी कोई भी मलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो हम इसके लॉक्स को प्रॉपर रीड करेंगे और फिर कोई आउटपुट निकलेगा तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबमिट करते हैं, थैंक यू तो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही हैक्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगली बार हम जब आएंगे तो फिर एक एंड्रॉयड डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करेंगे पूरी बिना किसी यूआरएल को सेंड किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।